साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के अपने YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ विशेष बिंदु पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले पासिंग मार्क आर्डर कब तक आ रहा है इस पे। तो देखिए, हमने पहले भी कहा था आपको पासिंग मार्क आर्डर को लेकर के, आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैल रही हैं उसको देख करके आप जिस प्रकार से गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह होना बंद कर दें। क्योंकि आप गुमराह होंगे, आप किसी एक डेट को मान के चलेंगे कि हाँ इस डेट को ऑर्डर आ रहा है, बाद में पता चलेगा उस डेट को ऑर्डर नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे और शिक्षित अभ्यर्थी के रूप में हैं, तो आप लोगों को इतना तो जानना ही चाहिए कि जब भी कोई केस का ऑर्डर आता है तो 2 दिन पहले जो है सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में जो है उसका वो शो करने लगेगा। तो इसलिए इस पर विशेष ज़्यादा आप परेशान ना हो। आप देखते, अगर किसी ने बढ़िया से जो है हाईलाइटेड करके बता दिया है कि देखिए ये जो है आ रहा है ऑर्डर, आ गया ऑर्डर की विज्ञप्ति, तमाम चीज़ें होती, तो बस आप उसी पे फोकस कर जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो। तो इसलिए हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पासिंग मार्क का ऑर्डर जो है जब भी आना होगा तो वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लिस्टेड हो जाएगा। और संभवतः अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ में जो है सितंबर में जो है आपका ऑर्डर आएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, आगे बीएड द्वितीय वरीयता, हमने आपको कल बताया था बीएड द्वितीय वरीयता लेकर के एक अपील दायर की गई थी डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा जो है रजत सिंह द्वारा, जिसमें जो है नेक्स्ट डेट हियरिंग लगा दी गई है। नेक्स्ट डेट में देखना है क्या कुछ होता है इसमें। इसमें अभ्यर्थियों की मांग है कि मामले को जो है अच्छे से सुना जाए और इसके बाद जो है जो 1 से 5वीं तक की भर्ती होती है उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए अन्य राज्यों की तरह से के लिए की तरह। तो इसलिए जो है इस मामले को नेक्स्ट हियरिंग पे लगा दिया गया है। अब देखना है क्या होता है नेक्स्ट हियरिंग में। इसके बाद हम अंत में बात करेंगे उत्तरकुंजी पे, लेकिन इस पे दो मुद्दे और बचते हैं, उस पे भी चर्चा कर लें। एमआरसी मुद्दा, तो एमआरसी मुद्दा कल लखनऊ बेंच में लगा था, हड़ताल होने की वजह से जो है ये सुना नहीं गया। अब देखना यह है कि ये कब सुने जाते हैं, इनकी कब से डेट लगती है। अब हड़ताल हटने के बाद ही इस पे कुछ हो पाएगा। और इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक और अपील की जो है सुनवाई होनी है, जिसमें फॉर्म संशोधन को लेकर के था। आज आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा सुबह, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। बस आप जान लीजिए आवेदन फार्म की जो त्रुटियाँ थी उस पर 3 सितंबर को जो है सुनवाई होनी है। जिन अभ्यर्थियों के जो है फॉर्म में त्रुटियाँ हो गई थी भरते समय जो है, ये उनकी मांग है कि हमें मौका दिया जाए, इसके लिए एक अपील पड़ी है। तो इसको आप डिटेल में आपके घर न्यूज़पेपर आता होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, हम आपका फालतू में टाइम कहाँ बर्बाद करें। अब इसके बाद आगे एक बचता है लास्ट में उत्तरकुंजी अपडेट। तो उत्तरकुंजी कल जो है 26 तारीख शाम को जो है आज की जो सप्ले काज लिस्ट है वो कल हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें आपका केस मेंशन नहीं है। और मेंशन भी अगर खुदा ना खास्ता होता तो आज शायद सुनवाई भी नहीं हो पाती हड़ताल की वजह से। लेकिन अब फिर भी कल से ही हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है आपका केस लिस्टेड करवा लिया जाए। लेकिन इस समय जो है सारे कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जैसे ही कुछ होने को होता है हम पूरी तरह से जो है अपने टीम के साथ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार माननीय अधिवक्ताओं के संपर्क में बने हुए हैं। और देखने अब डिसीजन तो सबसे पहले ये आ जाए कि अवध बार एसोसिएशन का कोई निर्णय आ जाए कि इस पर क्या ओपन हियरिंग होने का आदेश हो जाता है, क्या कुछ हो जाता है, ये हड़ताल जल्दी से हटे तो इसके बाद आपके काम को जो है आगे बढ़ाया जाए। हमें पता है आप सब बहुत परेशान हैं, निरंतर आप सभी के कॉल और फ़ोन आ रहे हैं, और जहाँ तक कोशिश कर पा रहा हूँ कि फ़ोन भी उठा पा रहा हूँ और मैसेज के जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कॉल्स कुछ मैसेज नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से। बस इतना कहना चाहेंगे कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है ये हैं, और आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ से अपडेट मिली जा रहा है क्या कुछ चल रहा है। जैसे ही हड़ताल ख़त्म होता है, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, हम आपके बीच में ज़रूर लेकर के आएंगे। और एक खास चीज़ और बता दें, आपके मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। और जो आपके अंदर एक डर बना हुआ है कि अगर भर्ती प्रक्रिया हो भर्ती हो गई अगर ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, भर्ती हो गई तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो हमें आपको पहले भी बता दिए हैं, आज भी बता रहे हैं, ऐसी दशा में भी कोई ना कोई ऑप्शन माननीय न्यायालय से हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप भर्ती होने के बाद भी आप कोर्ट में हैं और इसके बाद माननीय कोर्ट के संज्ञान में ये बातें हैं और आपके नंबर जो बढ़ रहे हैं अगर आप सरकार द्वारा लगाए गए मानक में और उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको नियुक्ति मिलेगी, वो किसी भी दशा में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि भर्ती हो जाएगी तो क्या होगा। तो जितने भी साथी टीम के साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर ये
भर्ती होने से पहले ही आ जाता है, जो भी नंबर बढ़ने आपके इंक्रीज हो जाते हैं तब फिर जो है आप वो तो और बेहतर हो जाएगा आप सभी के लिए, तो जो डर आपके अंदर है वो निकल जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके साथ हम लोग खड़े हैं तो आप लोग डरिए मत। अरे हम लोग भी डरते हैं, डर तो हमके भी लगता है, तो इसका क्या मतलब है, जीना छोड़ देंगे आप लोग? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जिस पावदान पे खड़े हैं उसी पावदान पे हम भी खड़े हैं, हम भी नौकरी के आस में लगे हैं, और बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं आप लोगों से, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हम लोगों को किसी मामले पे। अभी हम लोग तो किसी तरह से BTC कंप्लीट करके जो है बाहर निकले हम लोग जो है, और इसके बाद तुरंत कोर्ट में आना पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हम लोग कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझा सके। इसमें कुछ सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, आप सभी से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब खुद ही समझदार हैं, और आप सभी के साथ सहयोग और आशीर्वाद की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप सभी का साथ और सहयोग और इसी तरह से सामंजस्य आप लोग बना के चलेंगे तो आगे भी विजय हम प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर। तो हमारे जितने भी साथी और सहयोगी हैं, जितने भी अनुज हैं और जितने भी हमसे बड़े लोग हैं, आप सभी के आशीर्वाद और साथ और सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई अपडेट आपको चाहिए तो आप जो है फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं कि ऐसी समस्या हो रही है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो जहाँ तक संभव हो पाएगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप सभी के सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी के सुझाव भी लेने की कोशिश करेंगे, आप सभी के जो सुझाव हों वो आप सब जो है दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप सभी के साथ सहयोग और सुझाव की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आशा करते हैं आपको बातें जो है समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।